हेलो व्यूवर्स, मैं हूं जुल्फ़िकार अली। आप देख रहे हैं प्लम्बिंग विद जुल्फ़िकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपीवीसी पाइप फिटिंग के नाम, काम और उनके साइज के बारे में। यूपीवीसी पाइप फिटिंग की सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें हम मज़ीद यूपीवीसी फिटिंग के बारे में जानेंगे और उनकी तफसील से, नाम, काम और उनके साइज़ के बारे में। एक मरतबा और बताता चलूं, यूपीवीसी फिटिंग जोड़ी जाती है सॉल्वेंट सीमेंट के साथ और ये थ्रेडेड में भी दस्तियाब होती है। दो टाइप के इसमें शेड्यूल आते हैं, शेड्यूल 40, शेड्यूल 80। शेड्यूल का ताल्लुक पाइप की वॉल थिकनेस से होता है। सबसे पहले जो फिटिंग हमारे सामने आई है, ये टैंक कनेक्टर है। प्लास्टिक टैंक के जरिए ओवरहेड टैंक जो होते हैं हमारे, उसमें ये लगाया जाता है। चक नट है इसके अंदर, एक साइड इसकी अंदर होती है टैंक के अंदर और थ्रेडेड साइड इसकी टैंक के बाहर होगी और आगे से कनेक्शन दे दिया जाता है। ये साइज में हमें मिलेगा मिलीमीटर में 25 mm से लेके 32 mm तक और इंचेस में 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक। शेड्यूल इसका 80 का। ये दूसरा कनेक्टर है, सेम है, उसके मैं एक साइड पर पहले वाले के एक साइड पे थ्रेडेड थे, दूसरे साइड पे प्लेन था। ये इसके दोनों साइड पे थ्रेडेड हैं। ये हमें मिलीमीटर साइज में मिलेगा 15 mm से लेके 40 mm तक, 1/2 इंच से लेके 1 इंच डाई तक। शेड्यूल इसका होगा 80 होगा। टैंक कनेक्टर लॉन्ग, ये तीसरे किस्म का कनेक्टर है, थोड़ा सा लॉन्ग है ये। इसका साइज हमें दस्तियाब है मिलीमीटर में 50 mm डाई और इंचेस में 2 इंच डाई में और शेड्यूल होगा 80। बैंड 90 थ्रेडेड, ये लॉन्ग बैंड कहलाता है और पानी को फ्लो को बरकरार रखने के लिए, फ्लो को तेज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके दोनों एंड पे थ्रेडेड है, थ्रेडेड के जरिए इसको जोड़ा जाएगा। इसका साइज मिलीमीटर में मिलेगा हमें 15 mm से लेके 200 mm तक और 1/2 इंच से लेके 6 इंच डाई में। शेड्यूल इसका होगा 80। बैंड 90, ये बैंड 90 में इसमें ये फर्क है कि ये इसके अंदर थ्रेडेड नहीं है, इसको सॉल्वेंट के जरिए जोड़ा जाएगा। इसका साइज हमें मिलेगा 15 mm से लेके 200 mm तक, 1/2 इंच से लेके 6 mm, 1/2 इंच से लेके 6 इंच तक। शेड्यूल 80 होगा। बाईपास बैंड, किसी भी लाइन को बाईपास करने के लिए, ऊपर से गुजारने के लिए हम एल्बो वगैरह का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बाईपास जो है ये कंपनी से ही बैंड वह हमें मिलता है। ये बआसानी किसी पाइप को बाईपास करने के काम आता है। इसका साइज मिलीमीटर में मिलेगा हमें 15 mm से लेके 50 mm डाई तक, 1/2 इंच से लेके 2 इंच तक। शेड्यूल 80 होगा। ऑफसेट बैंड, ऑफसेट बैंड किसी नाहमवार जगह पर हमें लगाना होता है। जब हमारी दीवार में किस आगे कोई आगे से बाहर निकला हुआ हो कोई हिस्सा, वहां ये ऑफसेट बैंड लगाते हैं। इसका साइज मिलीमीटर में मिलेगा हमें डाया 15 mm से लेके 32 mm तक और 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक डाई में। और शेड्यूल होगा इसका 80। मेयर ट्रांसेक्शन निपल, वन साइड पे इसके थ्रेडेड हैं और वन साइड इसका प्लेन है। वन साइड सॉल्वेंट के जरिए जोड़ा जाएगा, दूसरे साइड पे इसके थ्रेडेड होंगे। इसका साइज हमें मिलीमीटर में मिलेगा, लेंथ इसकी 100 mm तक होगी, 15 mm में, 20 mm में डाई में और 30 mm डाई में, 40 mm डाई में दस्तियाब होगा। और इसका साइज इंचेस में होगा, 4 इंच तो इसका लेंथ होगी, 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक। शेड्यूल 80 होगा। फीमेल ट्रांसेशन, वो मेल ट्रांसेशन में बाहर की तरफ थ्रेडेड थी, फीमेल में इसकी अंदर की तरफ थ्रेडेड होंगी।
और वन साइड इसका प्लेन होगा। मिलीमीटर में इसका साइज होगा 15 mm डाय से लेके 40 mm डाय तक, और इंचेस में होगा हाफ इंच से लेके 1 इंच तक, शेड्यूल 80 होगा। पाइप निपल थ्रेडेड, दो पाइपों को जोड़ने के लिए, दो कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम एडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम ये निपल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका साइज हमें मिलेगा स्टैंडर्ड साइज, इसके लेंथ जो होगी 4 इंच होगी, 100 mm होगी, और डाया जो होगा इसका 15 mm से लेके 40 mm डाय में मिलेगा हमें, और हाफ इंच से लेके 1 इंच तक, और शेड्यूल 80 होगा। मेटल क्लैंप, पाइप को जोड़ने के लिए जब हम दीवार पे हाइट पे लेके जाते हैं, ओवरहेड लेके जाते हैं, हमें क्लैंप की जरूरत पड़ती है। ये मेटल क्लैंप दस्तियाब है हमें मुख्तलिफ पाइप के साइजेस के हिसाब से। मिलीमीटर में हमें 15 mm से लेके 50 mm डाय तक होगा, और इंचेस में हाफ इंच से लेके 2 इंच तक होगा, शेड्यूल 80 होगा। यू बोल्ड क्लैंप, यू बोल्ड क्लैंप अमूमन ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल होता है। पैनल पर जब लाइनें चल रही होती हैं चैनल्स पर, वहां पर हम यू बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ साइजेस में हमें मार्केट में दस्तियाब है, इंच मिलीमीटर में 15 mm से लेके 50 mm तक, हाफ इंच से लेके 2 इंच तक, और शेड्यूल इसका 80 होगा। फ्लंज एडॉप्टर विद मेटल बुश, अभी तक जो हमने फ्लंज देखे हैं वो बगैर मेटल बुश के थे, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इन्होंने होल के साथ मेटल के बुश डाल दिए हैं, जो कि जाहिर करता है काफी प्रेशर की लाइनों में इसका इस्तेमाल होगा, और इसको टाइट करने के लिए 4 बोल्ट दिए गए हैं। यह हमें मिलीमीटर में दस्तियाब है, 65 mm से 150 mm तक, इंचेस में हाफ इंच से लेके 6 इंच तक, शेड्यूल इसका 80 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल प्लम्बिंग विद जुल्फिकार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये मेरे UPVC पाइप फिटिंग के लास्ट सीरीज थी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।